हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू रिया फैमिली ब्लॉग्स। अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं। मैं कर रही हूँ कपड़ा धोने का काम। मेरे ख्याल से ऐसा कभी कभी होता होगा, मेरे साथ तो बहुत कम होता है, फर्स्ट या सेकेंड बार हो रहा है जो मैं अभी दोपहर के समय कपड़ा धो रही हूँ। नहीं तो मेरा कपड़ा सुबह 10-11 बजते बजते धुल जाता है, कभी कभार होता है 12 बज जाता है। मशीन तो सुबह ही लगा देती हूँ, पर आप सबको पता है इस समय सारा चल रहा है तो सुबह सुबह तो कपड़ा धोया नहीं जाता है। हालांकि फिर भी मैंने 11 बजे मशीन लगा दिया था तो 12-12:30 बजते बजते कपड़ा धुल जाना चाहिए, पर उसके बाद मशीन लगाने के मतलब कि एक बार घुमा उसके बाद लाइट चला गया। इंतज़ार करते करते कपड़ा भी मेरा खूब सारा है तो वो मशीन में डला हुआ था, तो उसको जैसे बाहर निकाल के कर दो तो मशीन मेरा मोटर ख़राब है पानी वाला, तो उससे पानी निकाल के कौन करता। हालांकि फिर भी मैंने मोटर से पानी लिया है, पाइप के दूसरे के यहाँ से पाइप जोड़ के फिर पानी लिया है, कि उतना ट्यूबवेल चला के कर नहीं सकते। फिर ट्यूबवेल से यूज करते रहो तो फिर पानी अच्छे से निकलता है, कम यूज करते हो तो उससे पानी निकलता नहीं है। तो मेरे यहाँ ट्यूबवेल से पानी बहुत कम निकलता है, बहुत कम यूज होता है उसका, ज़्यादातर मोटर का पानी पीने करने में हर चीज़ में तो मोटर का पानी यूज होता है, फिर ट्यूबवेल का पानी कम निकलता है। तो फिर मैंने सुबह भी एक बार पाइप जोड़ा, वो पाइप तो लगा हुआ था, फिर अभी दोबारा से पाइप मतलब कि जब लाइट आया है तब दोबारा से पानी मतलब भर के भी रख लिया है और मोटर इसमें भी भर दिया है मशीन में भी। तो उसके बाद अभी तो लगभग धुल चुका मेरा कपड़ा, मैं ड्राई के लिए डाल रही हूँ जो आप देखने से समझ भी गए होंगे। उसके बाद किचन में भी मैं काम कर रही हूँ, अभी किचन में मेरा काम हो रहा है, क्योंकि सुबह भी आज मेरे यहाँ श्राद्ध था, मैंने बता दिया आपको कि लास्ट में मेरे यहाँ श्राद्ध होता है, तो आज मेरे यहाँ श्राद्ध था तो सुबह तो श्राद्ध का खाना बना, उसके बाद मैं लगे कपड़ा धोने में। तो अभी मैं दोपहर के लिए जैसे खाने के लिए मेरे यहाँ चावल ज़्यादा ज़रूरी है तो वही चावल चढ़ा हुआ है, सब्जी का तो नहीं, चावल चढ़ा हुआ है। हालांकि बीच में आधा घंटा के लिए मैंने आराम कर लिया, बोला जाए तो मुझे कुछ काम समझ में नहीं आ रहा था इसलिए मैं लेट गई। नींद तो मुझे नहीं आया, क्योंकि काम रहता है मुझे नींद आ जाए ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, सोई नहीं हूँ, बस लेटी रह गई, आधा घंटा तक लेटी हुई थी। तो उसके बाद 2:30 बजे जब लाइट आया है तो फिर से मैं अपना बाहर निकल के काम में लग गई हूँ, क्योंकि पहले कुछ काम समझ में नहीं आ रहा था, मतलब कोई दिखाई नहीं दे रहा था, अब फिर अभी लगी हूँ मैं 2:30 बजे तो फिर से मेरा काम शुरू हुआ है। तो अब सब काम साथ में ही करना ज़रूरी है, कि कपड़ा भी धुल रहा है, फिर किचन में भी काम हो रहा है, उसके बाद साफ़ सफाई का भी करूँगी, बच्चे भी स्कूल से आने वाले, दुकान भी जाना है। अभी दोपहर के 3:15 बज रहे हैं, मैं कपड़ा भी धो रही हूँ, दुकान भी संभाल रही हूँ और मतलब चावल भी चढ़ा हुआ है, सब काम एक साथ कर रही हूँ। कपड़ा भी ड्राई में डाल के आई हूँ, चावल चढ़ा हुआ है, फिर उसके पापा आने वाले हैं क्योंकि दोनों को लाने के लिए गए हैं, फिर उस लड़की का एग्ज़ाम चल रहा है इसीलिए थोड़ा सा मुझे लग रहा है आगे पीछे हो गया है, नहीं तो इस समय तक आ भी जाते हैं। अभी 3:15 हो गया, अभी तक आए नहीं है, नहीं तो 3 मतलब 2:45 में जाते हैं, 3:15 बजे तक आ जाते हैं, 15-20 मतलब कि रास्ता का आने जाने का आधा घंटा लग ही जाता है। अब मैं यहाँ खड़ी होकर इंतज़ार भी कर रही हूँ, बीच बीच में अंदर भी जाके देख देख के आ रही हूँ, अपना काम भी कर रही हूँ, दोनों काम एक साथ कर रही हूँ। धूप बहुत तेज़ हो रहा है, बहुत तेज़ धूप है, और कपड़ा धोना भी आज मेरा लेट हो गया है। क्यों लेट हो गया वो तो क्या बताएं, मोटर भी मेरा ख़राब हो गया है पानी वाला, उसके बाद आज दोपहर में लगभग मेरे ख्याल से 12 बजे लाइट गया होगा, लगे कपड़ा भी ऐसे जैसे डाल दिया मशीन में एक बार चल गया उसके बाद लाइट चला गया, तो बीच में रखा रह गया। खाना का भी अभी चावल बना रही हूँ, क्या श्राद्ध का खाना था सुबह मैंने बना दिया, अब मेरे बिना चावल के रह नहीं सकते थे इसलिए मैं अभी केवल चावल बना रही हूँ, सब्जी ये सब तो बना हुआ है, केवल चावल बनाना है तो मैंने चढ़ा दिया है। चावल बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसलिए मैंने पहले बना के रखना है, पहले तो कोई खाने वाला रहता नहीं, फिर उस लोग स्कूल से आ जाते हैं तब वो दोनों खाएंगे उसके पापा खाएंगे, इसलिए मैं लेट से बना रही हूँ। दुकान का दिखाऊँ आपको, ज़्यादा भीड़ भड़ा का तो नहीं है, दुकान में काम हो रहा है, वो कभी बोल लूँ फिर उसको बोल के बनवाऊँगी वीडियो, आप बोलिएगा तब, क्योंकि अभी हुआ नहीं, कम्प्लीट नहीं, कम्प्लीट हो जाएगा तब बनवाऊँगी आपको, अभी नहीं समझ में आएगा, जैसे बाहर से दिखाएंगे तभी समझ में आएगा, अंदर से कुछ समझ में नहीं आएगा। इस समय दुकान में बैठती हूँ ना तो एकदम से सुनसान रहता है, बहुत कम आना जाना रहता है, सुबह से हम ज़्यादा भीड़ भड़ा कर रहता है। इस समय अकेले बैठे बैठे मैं देखते रहती हूँ, क्योंकि आज ही ऐसा है जो मैं काम कर रही हूँ, नहीं तो रोज़ सो के उठ के आती हूँ, रोज़ 2:45 बजे सो के उठ के आती हूँ, सीधा नींद में आगे बैठ जाती हूँ, बैठे बैठे देखते रहती हूँ सोच के, आज तो मैं अभी काम में लगी हुई हूँ, ना ही दोपहर में ठीक से सोना हुआ, ना ही काम हुआ, कुछ नहीं हुआ, आज बीच में सब रह गया। ठीक है, अभी पीयूष लड़के स्कूल से आ गया तो मैं दोनों को पहले खाना दे दूँगी, पीयूष लड़के अपने से भी ले लेते हैं, मैं भी निकाल के दे देती हूँ, तो अभी चावल पूरा गर्म है तो इसलिए मैं सोच रही हूँ मैं निकाल देती हूँ, कि नहीं तो पूरा किचन गंदा कर देंगे, फिर भी किचन का सफाई करूँगी, सब कोई खाना खा लेंगे तब। अभी तो पीयूष लड़के के लिए निकाल रही हूँ, फिर पीयूष के पापा का मेरा होगा, बाद में लेट से होता है क्योंकि अभी वो काम कर रहे हैं, फिर उस लड़की को लेके आने के बाद वो अपना दुकान में काम करती है, उसके बाद वो खाना खाते हैं। तभी टाइम बताऊँ तो 3:30 बजे का टाइम हो रहा है,
मेरा कपड़ा वाला काम अभी चालू है, आधा कपड़ा मैंने सुखा दिया, आधा भी बाकी है जो हो रहा है। क्या कि बेडशीट मैंने निकाला है तो अभी बेडशीट दूसरा डाला भी नहीं है, निकाल तो दिया धोने के लिए पर दूसरा नहीं डाला, तो वो अभी डालूंगी शाम में। वैसे तो शाम वाला काम मेरा अभी शुरू हो गया है, ऐसे तो रोज़ 4 बजे शुरू होता है, आज तो 2:30 बजे से शुरू हो गया। दोपहर का शाम का कुछ समझ में नहीं आया कौन हिसाब से काम हुआ आज मेरा, तो कभी ऐसा नहीं होता। दोपहर में मेरा 1:30 बजते बजते 2 बजे लगभग काम कम्प्लीट हो जाता है, उसके बाद 1 घंटा बीच में आराम करती हूँ फिर काम शुरू होता है। आज तो पता ही नहीं चला, 10 मिनट मतलब आधा घंटा का मिला है मुझे टाइम, पर वही है मैं सो भी नहीं पाई, आराम भी नहीं कर पाई। क्या कि जब काम रहता तो मुझे चैन नहीं मिलता है, मेरा दिमाग वही रहता कि मुझे करना है। मैं कभी ऐसा इतना लेट से कपड़ा नहीं धोती हूँ, पर आज तो मेरा मजबूरी हो गया। क्या कि दोनों काम एक साथ हुआ, लाइट भी चला गया, मोटर भी मेरा ख़राब हो गया। अब पीयूष लगे अपना यहाँ से खा पी के फ़ोन देख के चले गए बाहर में, हालांकि खेलने नहीं गए, बाहर अपना दुकान में जाके बैठ जाते इधर उधर या फिर दादी जी के पास चले जाते हैं। तो मैं यहाँ पहले बेडशीट चेंज करूँगी, दूसरा डालूँगी, वो वाला तो धो के मैंने सुखा भी दिया है। कपड़ा बाहर तो मैंने डाल दिया पर बाहर में जैसे धूप तो है नहीं, जैसे हवा निकल जाएगा, ऐसा मैं वापस ले आऊँगी, क्योंकि उसमें फिर वापस गीला हो जाता है। 3:30 में तो मैंने बाहर डाला है, 3 बजे मेरे आंगन से धूप पूरा गायब हो जाता, फिर भी थोड़ा सा हवा लग जाएगा और तो सूखेगा तो नहीं, फिर तो अंदर ही ला के डालना है। पर अभी अंदर डाल देती तो उसमें थोड़ा सा महक हो जाता, हवा निकल जाएगा तो फिर ठीक हो जाएगा। दोनों रूम का मैंने साथ बेडशीट चेंज किया है, क्योंकि दोनों का मुझे गंदा लगता था। एक बार मन में हो जाता था हाँ गंदा लग रहा है, परसों तरसों मैंने मशीन लगाया था मुझे नहीं लग रहा था, कल मैंने सोचा कि नहीं बेडशीट गंदा लग रहा है तो आज फिर मैंने धो दिया है। क्योंकि कल फिर अमावस्या तो मशीन भी नहीं लगेगा, उसके बाद काम तो रहता ही, काम का तो कोई कमी नहीं है, फिर नवरात्रि शुरू हो जाएगा तो फिर वैसे मतलब कि साफ़ सफाई का एक बार करना ज़रूरी है। वैसे तो मैंने एक बार कर दिया है पर अभी बेडशीट आज जैसे चेंज कर दिया है तो बीच में नवरात्रि में एक बार और कर दूँगी। हफ्ता 10 दिन से तो नहीं बोलूँगी, हफ्ता दिन से हो ही जाता है चेंज। फिर अब जो बेडशीट मैं डाल रही हूँ, दोनों बेड का, मेरा रूम का भी इसका भी, दोनों जल्दी गंदा होता है, क्योंकि ये वाला भी लाइट कलर है वो वाला भी लाइट कलर है, तो दोनों जल्दी गंदा होता है। अब पीयूष लकी का आदत क्या, पेंसिल चलाने का आदत है, इस बेडशीट पर तो इतना ज़्यादा पेंसिल चला हुआ है, जब डांटती हूँ तब छोड़ देते हैं, उसके बाद वही आदत है। क्या कि दिन भर तो मैं उनके पीछे रहती नहीं हूँ, यहाँ बाबू का खिलौना रखा हुआ वही मैं देख रही थी, क्या कि वो एक बार लेके आता है फिर यहीं छोड़ के चला जाता है। अब बहुत दिन होंगे, 3-4 दिन से वो आ नहीं रहा, आएगा तो मैं वापस दे दूँगी, पर मन होता तो लेके जाता, नहीं तो नहीं लेके जाता है। मैंने पहले भी आपको बताया नया रहता तब वो खेलता अच्छे से, जब पुराना हो जाता तो फिर इधर उधर कहाँ रहता उसको पता ही नहीं रहता। 2 गाड़ी भी रखा हुआ है, एक उस दिन वो लेके आया, क्या चीज़ रबड़ का है मुझे पता नहीं है। जब नया बेडशीट लगाते हैं मतलब चेंज करके लगाते हैं धो के, उस दिन कितना अच्छा लगता है बेडशीट लगाने के बाद, अपने आप में अच्छा लगता है, नया नया लगता है सब कुछ, 1-2 दिन के लिए फिर वापस वसा वसा हो जाता है। जो तकिया अभी मैं कवर लगा रही हूँ, तकिया बड़ा है कवर छोटा है, मतलब मैं सोच रही थी इसको बड़ा कर लूँ पर इसमें कपड़ा इतना है। मेरा क्या आदत है बेडशीट के साथ का, जैसे तकिया का कवर लगाओ तो अच्छा लगता है, ऐसे तो मेरे पास ऐसे भी रखा हुआ सिला हुआ भी, पर मुझे ये अच्छा लगता है इसलिए लगा देती हूँ। दोनों रूम का यही है, उस रूम में भी एक छोटा एक बड़ा तकिया, इस रूम में भी एक छोटा एक बड़ा तकिया है, क्योंकि पीयूष को बहुत बड़ा तकिया चाहिए, लकी को छोटा चाहिए, वैसे ही मुझे छोटा चाहिए, इसलिए दोनों में अलग अलग है। मेरा रूम का जो बेडशीट है उसका तकिया कवर है जो बड़ा ज़्यादा है, हालांकि अगर चेंज करके लगाऊंगी तो अच्छा लगेगा, छोटा वाला इसमें लगा दूंगी या बड़ा वाला उसमें, पर मतलब कि कोई लेगा नहीं, फिर वापस वही झंझट हो जाएगा, पीयूष को पसंद नहीं है छोटा तकिया, ना ही मुझे बड़ा तकिया पसंद है, इसलिए जैसा जिसमें वैसा ही रहने दे, वही ठीक है। 2 और रखा हुआ, वो मैंने अंदर रखा हुआ, कोई आते हैं तभी निकालते हैं, नहीं तो अंदर रखा हुआ है। उसके बाद इस रूम में आ गई हूँ, उस रूम का मैंने बेडशीट चेंज कर दिया, अब मैं झाड़ू भी लगाऊंगी, दोनों का बेडशीट पहले डाल दूंगी उसके बाद मैं झाड़ू लगा दूंगी। We'll be right back.
इसके बाद ये चाय बन रहा है मेरा शाम का 5:30-6 बजे का टाइम है, क्योंकि पूजा भी हो चुका है। चाय मैंने चढ़ा दिया, उसके बाद मैं दूसरा काम में लग जाती हूँ। चाय अच्छे से बन के तैयार हो चुका है, तब सबके लिए मैं निकाल दूँगी। हालांकि दीदी के लिए मैंने बना तो दिया, पर बाद में फ़ोन आया कि दीदी नहीं आएगी, क्योंकि उनका हो जाता है बाद में, लास्ट में फ़ोन करती है। अगर यही बात शाम में बोल देती, क्योंकि उनका खाना भी रखा रह जाता है, अभी उनका खाना भी रखा हुआ है, तो वो भी मुझे निकाल के फ्रिज में रखना होगा। क्योंकि मेरा तो आदत है कि जब बनाती हूँ तो उनके हिस्सा का बना देती हूँ, शाम में अभी दोबारा कौन खाने बैठेगा, तो फिर मुझे फ्रिज में रखना रहेगा। ये शाम में 4 बजे फ़ोन करती तो फिर मैं ऐसे मतलब कि फ़ोन करके बुला लेती या फिर दे देती, मुझे पता नहीं था कि वो आएगी नहीं। अभी जैसे अंधेरा पूरा हो चुका उसके बाद फ़ोन आया है कि वो नहीं आएगी, तो मैंने चाय भी बना दिया है। अब लक्की का मन तो होगा कि पीऊँगा, पर मैं उसको दूँगी नहीं, जिसका जिसको देना होगा वो दे दूँगी, वो रखा रह जाएगा, ठंडा हो जाएगा, तो अपने फिंगरे में काम आ जाएगा। क्योंकि वो अभी ट्यूशन कर रहा है, वो अभी है नहीं, अगर अभी मेरे पास में होता तो वो ले लेता, उसको ज़्यादा शौक रहता चाय को, मैंने बहुत बार आपको बताया है। चाय बन भी गया ज़्यादा है, आप सब भी आइए चाय पी लीजिए। इसके बाद देखिए बाहर का अंधेरा पूरा हो चुका है, कपड़ा रखा हुआ है, पर इसको मैं उतार के अंदर रख दूँगी। सूखा तो एक भी कपड़ा नहीं है, क्योंकि धूप चला गया था तो सूखने का तो कोई मतलब ही नहीं था, फिर भी मैंने बाहर डाल दिया। अभी पूरा अंधेरा हो चुका है तो ओस पड़ता है, शाम होते के साथ में ओस आना शुरू हो जाता है पूरा, मतलब कि रात में 8 बजे तो अंधेरा जैसा पूरा हो जाता है, जैसे धुआं जैसा हो जाता है, इतना ओस आता है। इस समय आता भी ज़्यादा ही है, तभी कपड़ा उतार के मैं अंदर रख दूँगी। कपड़ा सूखा एक भी नहीं है, अब समझ में नहीं आ रहा कहाँ डालूँ इसको, इतना कपड़ा को मैं। अभी शाम के 7:30 बज रहे हैं, अब मैं अभी बैठी हूँ, सब काम कंप्लीट कर, सब मतलब रोटी नहीं बना और सब काम कंप्लीट है, आटा लगा छोड़ना, सब्ज़ी बनाना, पर आज काम मेरा जैसे हुआ उसी हिसाब से मैंने आपको दिखा दिया आगे पीछे हुआ है। शाम तक मैं 7 बजे तक काम में लगी हुई हूँ, 7 क्या 7:15 बजे तक, अभी 10-15 मिनट हो गया मुझे यहाँ आके बैठे हुए। क्योंकि यहाँ आने के बाद मैं किसी से बात कर रही थी, उसके बाद मैंने सोचा कितना क्या हुआ वो तो मैंने देखा नहीं, कितना वीडियो शूट किया, क्या पूरा किया नहीं, मैंने काम तो बहुत सारा किया है पर पूरा वीडियो मैंने शूट नहीं किया है, थोड़ा थोड़ा मैंने आपको दिखा दिया है। आज 14 है, कल अमावस्या है, हालांकि कल का भी मेरे पास बना हुआ रखा हुआ है, वो भी गया नहीं है। आज मैंने कोई मतलब कि डाला नहीं, कोई ब्लॉग मेरा गया ही नहीं है, ना ही तैयारी हुआ है, कल अमावस्या है। अब देखती हूँ ये वाला पहले जाएगा कि वो वाला पहले जाएगा, जो पहले तैयार हो जाएगा वो पहले डाल दूँगी, आगे पीछे हो ही जाएगा। क्योंकि इसका थोड़ा सा एडिटिंग करना मुझे ये लगेगा और उसका करना थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, तो यही काम करूँगी, सबसे पहले यही डाल दूँगी, देखती हूँ ये वाला जाएगा कि वो वाला जाएगा। क्योंकि कल का बना हुआ है और आज का भी, कल भी मेरे यहाँ श्राद्ध था, आज भी श्राद्ध था और कल अमावस्या है, तो अमावस्या के दिन तो सब जगह होता है, सबके घर में होता है मेरे ख्याल से, और कहीं अपना अपना रीति रिवाज है, पर मेरे यहाँ जैसे राजस्थान साइड में सबके घर में होता है, जिसके यहाँ कभी भी नहीं होता अमावस्या वाले दिन सबके होता है। कल लास्ट है, कल कल और करना, हालांकि मेरे यहाँ शाम में दीदी नहीं आई है, उनका काम भी मुझे ही करना पड़ा है, उसके बाद सुबह भी मुझे ही करना है। मैं सोच रही थी कि अमावस्या वाले दिन जैसे सुबह सुबह थोड़ बड़े रहेगा, उसके बाद नहीं रहेगा, पर यह है आज भी नहीं आई है, कल भी नहीं आएगी, परसों देखते हैं, परसों सुबह आ जाएगी तो, पर यह है परसों नवरात्रि का फर्स्ट दिन है, उस दिन भी काम रहेगा तो उस दिन आ जाए वही ठीक है, उस दिन थोड़ा सा व्रत का भी रहता है, पूजा पाठ का भी रहता है। हालांकि मैं 9 दिन नहीं करती हूँ, मैं करती हूँ, पर सच बताऊँ मुझे ये वाला जो दिन है ना, नवरात्रि का, दिवाली वाला, बहुत मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है, मैं हमेशा यही बात बोलती हूँ। एक अभी का मौसम, अभी कपड़ा उतार के मंदिर ला के रखा है, हालांकि सब कपड़ा गीला है, अगर बाहर छोड़ देती तो उसमें सब गीला हो जाता, जो मैंने आपको बता ही दिया है। अंदर भी कुर्सी पे रखा है, बाद में थोड़ी देर बाद यहाँ डाल दूँगी, अभी डालने से अच्छा नहीं लगता है, घूमने फिरने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है, तो बाद में कुर्सी पे रख दिया है, बाद में डाल दूँगी, अभी थोड़ी कुर्सी पे रख दिया, बाद में डाल दूँगी। अभी मुझे थोड़ी सी देर सोचूँ लाइव कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है, पिछली बार जब मैंने किया था ना बहुत अच्छा लगा था, 15 दिन हो गया लगभग, आधा घंटा बात कर लेती हूँ, ब्लॉग भी कोई नहीं किया है, अपना टाइम पास भी हो जाएगा, कोई काम भी नहीं करना, काम भी सुबह से मैंने कर लिया, बहुत सारा काम किया है, अभी सोच रही हूँ अभी बाई चांस 7:30-8 बजे भी शुरू करूँगी तो आधा घंटा कर ही लूँगी, मन तो कर रहा है, देखती हूँ कर पाती हूँ कि नहीं, अपना मन होगा तभी कर लूँगी, पर इस वीडियो का एंड कर देती हूँ, बहुत ज़्यादा बात हो रहा है। अगर आपको ज़रा सा वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कल मिलेंगे अच्छी सी नई वीडियो के साथ, तब तक लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।